नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया चुनौतियों से भरी है, इसमें आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है, नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में आज एक चुनावी सभा में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी अदानी जी की गारंटी है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी भारत माता की गारंटी है। मोदी जी अदानी की जेब भरते हैं और हम भारत माता का धन उन्हें वापस करते हैं। राहुल गांधी ने कहा मैं आपको 15 लाख वाला झूठ नहीं बोलूंगा, वो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। दिवाली के दिन उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। लगभग 44-45 मीटर ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है, अब केवल करीब 20 मीटर की ही ड्रिलिंग शेष बची है। उम्मीद है कि जल्द यह पूरा हो जाएगा और श्रमिक सकुशल बाहर आ पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को निर्वाचन विभाग से झटका लगा है। विभाग ने कांग्रेस की ओर से जारी 7 गारंटियों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आरोप है कि बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा था। ईओडब्ल्यू ने बुधवार को उज्जैन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 फर्जी कंपनियों और 80 लोगों पर 2 अरब के घोटाले का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 10 करोड़ रुपये का टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के बाजीमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन और एक जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने यहां एक आतंकी को मार गिराया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गलत प्रचार के लिए पतंजलि को फटकार लगाए जाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कुछ डॉक्टरों का एक समूह हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, अगर हम झूठे हैं तो हम पर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाएं और हम मृत्युदंड के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 28 अन्य लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की, ताकि उन्हें देश से भागने से रोका जा सके। सरकार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए यह सिफारिश की है। विश्व कप के समापन के बाद ICC ने पहली वनडे रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले स्थान पर टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल और दूसरे पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम हैं। वहीं तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जबकि रोहित शर्मा ने चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की है।